हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज सचिन मिश्रा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल कॉलम कैश बुक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर नंबर 4 के सिंपल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी थियरी है वो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस की थी, ठीक है। तो चलिए फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स किस तरीके सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा दिया है, एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2014 या 15, जो भी आपके बुक में दिया हो। तो सबसे पहले बेटा कैश इन हैंड दिया है, तो ये सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट दिसंबर को किस नाम से लिखेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, किस नाम से लिख लेंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दिया गया है, तो बैलेंस आपको गिवन है 12,000, सबसे पहले आप इसको लिख लोगे। इसके बाद फिर लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम भानु 4,000, भानु से हमें कैश रिसीव हुई, और कैश रिसीव कितनी हुई, 4,000 रुपीज। तो जब हमें कैश रिसीव हुई तो उस कंडीशन में आपको सिंपल ध्यान रखना कि कैश आई तो डेबिट में, रिसिप्ट्स, और अगर कैश जा रही तो पेमेंट्स होंगे तो क्रेडिट में। तो कैश रिसीव हुई है तो 5 तारीख को यहाँ पे लिख दोगे किस नाम से, टू भानु, या टू भानुज अकाउंट करके भी लिख सकते हो, कितना, 4,000 रुपीज। इसके बाद है रेंट पेड किया गया, तो जो रेंट पेड हो रहा है 7 दिसंबर को, वो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट करके, और रेंट अकाउंट की जो वैल्यू लिखेंगे वो आप कितनी लिखेंगे, 2,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी फॉर कैश, मुरारी से गुड्स हमने परचेज किया है, तो 10 तारीख को हम लोग लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, और ये भी आपने नगद खरीदा है फॉर कैश, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा आपका 6,000 का, आप इसको लोड कर लेंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 9,000, आपने गुड्स बेचा है तो आपको कैश मिली है, और 2 लिख देंगे यहाँ पे सेल्स अकाउंट, और कितने का आपने गुड्स बेचा है, 9,000 का, 9,000 आप यहाँ पे नोट कर देंगे। इसके बाद 18 डेट को लिखा हुआ है बेटा स्टेशनरी परचेज की है, तो यहाँ पे बाई स्टेशनरी अकाउंट करके हम लोग लिख देंगे बाई स्टेशनरी अकाउंट, और ये परचेज की गई है 300 की। इसके बाद कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट, राहुल को कैश पेमेंट किया है, तो यहाँ पे बाई राहुल करके उसको पेमेंट कर देंगे, और कितना पेमेंट करा जाना है, 2,000 रुपीज़ करना है पेमेंट इस तरीके से। इसके बाद पेड सैलरी, पेड रेंट, ये भी सारे पेमेंट्स हैं, तो बाई सैलरी अकाउंट करके लिख देंगे, कितनी सैलरी पेड की आपने, 1,000, और इसके अलावा फिर रेंट दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई रेंट अकाउंट, और रेंट कितना पेमेंट किया है, 500। अब अपन को क्या करना है कि डेबिट साइड का आप टोटल कर लो, और डेबिट साइड का टोटल जैसे आ रहा है तुम्हारा 25,000, अब इसमें से आप ये क्रेडिट वाले सारे माइनस कर दो, और मंथ एंड में यानी कि 31 दिसंबर को आपको वाई बैलेंस सीडी करना है, यानी क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कितनी कैश बची हुई है, ठीक है। तो हमें 25,000 में से जो डेबिट का टोटल आया, 25,000 आया, उसमें से हम क्रेडिट वाला टोटल करके माइनस कर देंगे, जो आएगा तुम्हारा 11,800, तो 11,800 हम लोग माइनस करेंगे, तो इसमें से जो वैल्यू बचेगी वो 13,200 बचेगी, और इसको आप इधर लिख दोगे 13,200, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 25,000, क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 1, और इसी तरीके से फिर हम इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, अगर कैश रिसीव हो रही डेबिट में, कैश अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में नोट करेंगे। इसके बाद हमें फिर क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा किस तरीके से सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 चलिए सॉल्व करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप जल्दी से आप फॉर्मेट बना लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आप जल्दी से एक काम करिएगा, फॉर्मेट बनाइएगा और इसको मेरे साथ जल्दी जल्दी नोट करिएगा, आप सीखिएगा किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है, रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक फॉर नवंबर 2014 या 15 या जो भी आपके में ईयर लिखा हो। तो 1 नवंबर को सबसे पहले हम लोग बैलेंस नोट करेंगे इसका, और यहाँ पे कैश इन हैंड के नाम से लिखा जाएगा 12,500। इसके बाद में कैश पेड टू हरी, तो 4 डेट को हम लोग लिखेंगे 4 नवंबर को, और हरी को पेमेंट किया है तो यहाँ पे बाई हरी के नाम से लिख देंगे, कितना पेमेंट किया है, तो ये किया है 600 का, आप इसको लिख दोगे। इसके बाद परचेज गुड 7 डेट को है, तो यहाँ पे लिख दोगे बाई परचेज अकाउंट, और परचेज आपने कितने का किया है, वो किया है आपने 800 का। इसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम अमित, अमित से हमें कैश रिसीव हो रही है, 12 डेट को यहाँ पे लिख दो, टू अमित, अमित से कितना पैसा मिला हुआ है,
ये मिला है 1960। इसके बाद 16 डेट को भी 16 तारीख को क्या लगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्योंकि आपको रिसिप्ट हो रही है, और कितना लिखेंगे हम लोग, 800 रुपीस लिखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कि पेड टू मनीष, तो 20 डेट को यहाँ पे मनीष को पेमेंट किया गया, तो भाई मनीष के अकॉर्डिंग हम दिखा देंगे मनीष के नाम से 590। इसके बाद 25 डेट को लिखा हुआ है कार्टिस का पेमेंट किया, तो यहाँ पे भाई कार्टिस करके दिखा दो कितना पेमेंट किया है, 100 रुपीज़। इसके बाद 31 तारीख को सैलरी का पेमेंट किया है भाई सैलरी अकाउंट, और सैलरी के नाम से आप कितना दिखा दोगे, 1000 दिखा दोगे। इसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है, और ये 30 तारीख ही होगा नवंबर में, 31 नहीं होगा। और यहाँ पे कर देंगे हम लोग वाई बैलेंस सी टी, जो भी डिफरेंस आए हम लोग किस नाम से लिखेंगे वाई बैलेंस सी टी। तो टोटल करिएगा, इसका डेबिट का टोटल देखिएगा कितना आ रहा है, तो डेबिट का टोटल जो तुम्हारा आएगा 15,260, तो डेबिट का टोटल आ गया 15,260, इसमें से क्रेडिट वाला माइनस कर दीजिएगा। क्रेडिट का टोटल देखिएगा कितना आएगा आपका 3,090, तो इसमें से माइनस करो 12,170 बचा है, तो 12,170 इसको आप लिख देंगे, इसके बाद टोटल कर देंगे 15,260। तो इस तरीके से ये आपका हो गया भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझाऊंगा, जो आप खुद से करके देखोगे। इसमें लिखा है एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर, तो फर्स्ट डेट को लिखा कैश इन हैंड, तो इसको सबसे पहले आप डेबिट में लिख देना टू बैलेंस बीडी करके। इसके बाद पेड टू सोनू, तो कैश पेमेंट हो रहा है तो ये क्रेडिट में लिख दोगे भाई सोनू के नाम से। डेबिट में फिर आप क्या लिखा है परचेज गुड्स, तो गुड्स परचेज किया है तो इसको ये भी पेमेंट है, ये भी क्रेडिट साइड जाएगा भाई परचेज के नाम से। फिर 15 डेट को रिसीव कैश फ्रॉम प्रकाश, तो ये कैश मिली है तो डेबिट में लिखेंगे रिसिप्ट साइड, यानी कि टू प्रकाश के नाम से। फिर कैश सेल्स, ये भी डेबिट में आएगा क्योंकि ये भी रिसिप्ट है टू सेल्स के नाम से। पेड टू एस कुमार, तो ये पेमेंट है तो क्रेडिट में लिख देना भाई एस कुमार के नाम से। फिर पेड रेंट, ये भी पेमेंट है, ये भी क्रेडिट में लिख देंगे। इसके बाद आप डिफरेंस निकालेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए थे वो आपके मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसको तीनों को सॉल्व कर लो आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरी।